यातायात माह के दौरान चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के तहत रविवार को यातायात पुलिस द्वारा छठ पूजा के दृष्टिगत फल मंडी, टीपी नगर, हावर्ड बांध तक अभियान चलाकर सड़क पर नियमों के अनुरूप खड़े बड़े वाहनों का चालान किया गया। आपको बता दें कि फल मंडी, टीपी नगर, हावर्ड बांध तक रोड के किनारे भारी वाहन खड़े होने से प्रतिदिन जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। छठ पर्व में आने जाने वालों को किसी तरह की समस्या ना हो, जिसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने अमर उजाला तिराहे पर दोपहिया तथा चार पहिया वाहनों का भी चेकिंग किया तथा चालकों को हिदायत दिया कि दोपहिया वाहन पर हेलमेट लगाकर तथा दो से अधिक लोगों को बैठा कर ना चले तथा चार पहिया वाहन में सीट बेल्ट का प्रयोग करें। इस दौरान यातायात के नियमों तथा संकेतों के बारे में भी जागरूक किया गया। इस मौके पर 100 से अधिक वाहनों का चालान किया गया, जिसके संबंध में एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि यातायात माह के दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया गया है। बेवजह रोड पर वाहनों को खड़ा करने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की गई है। चेकिंग के दौरान यातायात निरीक्षक अख्तियार अहमद अंसारी, मनोज कुमार राय, हेड कांस्टेबल अजय पासवान सहित ट्रैफिक के अन्य जवान मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा,
माह के तहत जो हमारे इम्पोर्टेंट चौराहे हैं शहर के, उसमें पी सिस्टम लगा हुआ है, उस पर हम ऑडियो क्लिप बनाने के चलाने के प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा सके। और जो हमारे शहर में विभिन्न स्थानों पे पार्किंग व्यवस्था की गई है, स्पेशली जो मल्टी लेवल पार्किंग है दमकल विभाग में, उसके बारे में जागरूक किया जाएगा, ताकि लोग सड़क पे वाहन पार्क ना करें और अपने जो वाहन है वो इन्हीं पार्किंग स्थल पर पार्क करें, ताकि शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके। उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है। अमर उजाला में वाहनों का चालान किया गया है, अमर उजाला किराए पे जी वाहनों का चालान। हाँ, तो ये यातायात माह के दृष्टिगत अवेयरनेस फैलाई जा रही है, अगर उसके बावजूद भी लोग नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती गाड़ियाँ अपनी सड़क पर पार्क कर रहे हैं और बताने के बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं उनको, उनके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा रही है।